Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adiraza and welcome to Pangravity. Dawn newspaper ke editorials aur opinions ka analysis kar rahe the with practice question and today is 19th of December 2023. So ji, kya hai aaj ke jo aapka Dawn aur opinion Dawn ka jo opinion aur editorials wala page hai uske andar first of all we will discuss 1, 2, 3 इन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे देन वी मूव फॉरवर्ड एंड 4, 5, 6 एंड 7 इन चार ओपिनियंस को एनालाइज करेंगे और इसी को अगर आप पेपर से देखना चाहें तो 1, 2, 3 आपके एडिटोरियल्स एंड 4, 5, 6 एंड 7 आपके ओपिनियंस और इनको जब हम एनालाइज करेंगे तो इसमें हमारा जो फोकस होगा वो मेजॉरिटी ऑफ आइडियाज पर होगा और रेलिवेंट मटेरियल जो है रेलिवेंट डायरेक्शंस हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सीएसएस एंड पीएमएस के जो कंपिटेटिव एग्जाम्स हैं हमारे उनके पर्सपेक्टिव में जैसे एसए है करंट अफेयर है पाक अफेयर है एंड दूसरे भी जो आपके सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये जो इश्यूज होते हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनालिसिस किया जाता है और इसमें जो है इंशाल्लाह आपकी क्रिटिकल जो अप्रोच है डिफरेंट इशूज के ऊपर वो मेच्योर होगी सो जी पीडीएफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा इस आज के टुडे जो न्यूज़पेपर है उसका भी और साथ में ये वाला जो लेक्चर है इसका भी और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी वहां पर अवेलेबल है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं चैप्टराइजेशन कर दी जाएगी 7 चैप्टर्स हम इसके बना देंगे टाइमलाइन के मुताबिक एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और जी बींग अ पार्ट ऑफ आवर टीम दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंट्स कीजिए जरूर बताइए एंड टुडे क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि अभी इलेक्शंस हुए हैं इजिप्ट के अंदर जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं मिस्र भी कहते हैं तो जो नया प्रेसिडेंट आया है न्यू प्रेसिडेंट कौन है जी उस इजिप्ट का तो उसका आपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है और बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वी रेगुलरली एनालाइज देम कुछ की हम रिप्लाई दे देते हैं कुछ के पेंडिंग में चले जाते हैं और जो आपकी चीजें आ रही हैं उसको भी ऊपर भी हम इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं एंड विद टाइम इंशाल्लाह वी विल शिफ्ट देम टू इन प्रैक्टिकल फॉर्म जैसे कि मैगजीन एनालिसिस की बात की जा रही है वहां पर वोकैबुलरी की बात की जा रही है और जो मंडे वाले दिन डॉन न्यूज़पेपर का आता है हमारा बिजनेस पेज उसके बारे में बात की जा रही है तो ये सारी चीजें हम इनको एनालाइज कर रहे हैं और एक और बात जो है वो टाइमिंग के बारे में कहा जा रहा है कि सर जो लेक्चर है इसकी कुछ फिक्स टाइमिंग कर दें तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाती है कि आपको पता है कि बिजी शेड्यूल होता है फ्री तो कोई भी नहीं होता ना मैं भी फ्री नहीं होता इतना तो ये होता है कि पढ़ते पढ़ते इसको बाद में जब भी टाइम मिलता है इसके स्लाइड्स बना ली जाती हैं और जब भी टाइम मिलता है तो इसको फिर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इस तरह से या तो डैट्स वाई का कोशिश ये होती है कि इससे पहले के जो डेट है वो चेंज हो ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाए तो आपको भी थोड़ा सा जो है इसके ऊपर पता होना चाहिए कि ये कोई यानी कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ये न्यूज़पेपर आता है और ये कोई पुरानी न्यूज़ इसके अंदर होती नहीं तो आएगा तो फिर उसको पढ़ा जाएगा फिर उसको एनालाइज किया जाएगा फिर लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा तो इट्स टेक टाइम और इसके ऊपर काफी टाइम लग सकता है सो लिहाजा ये आपको अकोमोडेट करनी पड़ेगी टाइमिंग बाकी ये कोशिश होती है कि जितनी जल्दी अपलोड हो जाए हम आपको लिए इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं ये करंट ग्लोबल इश्यूज हैं जी इसके ऊपर मैंने कल कहा था इसके ऊपर हल्का सा मैंने इसको चेंज किया ज्यादा नहीं चेंज किया क्योंकि ज्यादा चेंज करूंगा तो बहुत ज्यादा स्लाइडेड बन जाएगी तो ये मेन क्रक्स जो है जो करंट ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उनकी लिस्ट है एंड दैट इज द नेशनल इश्यूज चल रहे हैं ये उनकी लिस्ट है आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है सो स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट एडिटोरियल इज बैलेंस्ड बैलेट बैलेट इलेक्शंस जो आप लोग वोट डालने जाते हैं उसकी बैलेंस से मुराद यहां पर वो कर रहा है मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है कि मेल और फीमेल की तादाद को लेकर वो कहता है कि कुछ हद तक चीजें बैलेंस हो गई हैं तो इसके अंदर जो क्रक्स रहेगा वो ये है कि पहले पाकिस्तान में ये था कि फीमेल्स की तादाद जो थी रजिस्टर्ड वोटर्स की बहुत कम थी और मेल्स की तादाद ज्यादा थी लेकिन अब जो है वक्त गुजरने के साथ साथ अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है ठीक है और उस इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट ये निकला है कि फीमेल्स और मेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो काफी कम हो गया है जीरो तो नहीं हुआ लेकिन काफी कम हो गया है इसको हम पॉजिटिव जो है उसको साइन एज ए पॉजिटिव साइन ले सकते हैं तो चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट ये इस्तेमाल कहाँ पर होगा आपका एडिटोरियल कहाँ पे आप ये जो कंसेप्ट है इसको फिट कहाँ पे कर सकेंगे अपने पेपर के अंदर तो बच्चे ये दो चीजें मैंने इसको पॉजिटिव के साथ किया डेमोक्रेसी यही टॉपिक
डेमोक्रेसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इसको ले सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए बेहतरी हुई है, वुमेन राइट्स में बेहतरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड के अंदर जो है वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जब पॉलिटिकल डोमेन की बात करता है, तो वहां पर आप इसको क्रिटिकली जवाब दे सकते हैं कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल हमारा जो है सिनेरियो है उसके अंदर वुमेन जो है उनकी वो बेहतर हुआ है, उनके उनकी जो प्रोग्रेस है। कैसे आप कह सकते हैं इस तरह से कि इलेक्टोरल जेंडर गैप इसे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो 10 मिलियन से कम हो गया है। ये मेन हमारा इलेक्टोरल जेंडर गैप जिसको हम कहते हैं जेंडर गैप, कि जो वोट डालने वाले मेल और फीमेल आते हैं उनके दरमियान जो गैप था वो 10 मिलियन से कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि अब औरतें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो कर रही हैं, वो आती हैं अपना वोट रजिस्टर करवाती हैं, वोट डालने आती हैं, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है वुमेन राइट्स के लिहाज से पाकिस्तान में। दूसरा ये चीज जो है ये डेमोक्रेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जब डेमोक्रेसी का टॉपिक अगर पाकिस्तान में लिखते हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं कि रिसेंट जो जेंडर गैप था, इलेक्टोरल जेंडर गैप जो है वो श्रंक हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन्स हैं वो आएंगी, वोट डालेंगी, अपना जो है इजहार राय देंगी, तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग होगी पाकिस्तान के अंदर। तो डेमोक्रेसी के टॉपिक के अंदर और वुमेन के टॉपिक के अंदर आप ये वाला जो इलेक्टोरल जेंडर गैप है इन पाकिस्तान, आप इसको फिट कर सकते हैं। यहां तक हो गया, आप इसके अंदर चलते हैं कि अंदर वो क्या बताता है। इलेक्टोरल जेंडर गैप की बात होगी कि इलेक्टोरल बताया इलेक्शन वोट डालना, जेंडर गैप कम हो गया है 10 मिलियन से भी, ये मेन टॉपिक है। कहता है कि ओवरऑल जो टर्नआउट वोटर काउंट हुए हैं ना वो कितने हैं, 128 मिलियन है। उनमें जो वुमेन्स हैं वो 46.13% हैं ऑफ द इलेक्टोरेट। ठीक हो गया। पंजाब के अंदर कहता है कि ये जो है डिस्पेरिटरी जो है ये 5 मिलियन है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब के अंदर है, यानी कि ये डिस्पैरिटी कि औरतें और मर्दों में जो फर्क है वो सबसे ज्यादा किस में है, पंजाब में है, क्योंकि बाद पंजाब की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और उसके बाद सिंध में है, केपेकी में है, और एंड पर बलूचिस्तान में है। लेकिन साथ ही वो कह देता है कि पंजाब के अंदर जो है कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ये बहुत कम है, यानी कि वहां पर जो है 48% फीमेल वोटर्स हैं। वैसे ओवर 46% है ना, लेकिन 48% फीमेल वोटर्स हैं। और अगर हम कहते हैं साउथ वजीरिस्तान की बात करें तो वहां पर बहुत कम है ये, 34% फीमेल वोटर्स हैं। ठीक है, एक बात ये भी है, ओवरऑल पंजाब का जो डिस्पैरिटी है वो ज्यादा है, यानी कि गैप जो है वो मेल फीमेल वोटर्स का ज्यादा है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है, ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये बात उसने आपको बता दी। इसमें आपको ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक जनरल अगर ऐसे के पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जेंडर गैप जो है वो श्रंक हो गया है, इलेक्टोरल जेंडर है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी होगी, आप आगे चलते हैं। आगे है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये जो जेंडर गैप है कि औरतें और मर्दें मर्द जो है वो बराबर हो जाएं, या कोई औरत पीछे ना रह जाए इलेक्शंस में अपना वोट डालने से, उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए, उसको जो है इलेक्टोरल जो रोल है उसके अंदर उसकी ओर लेकर आया जाए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है। तो ये बेसिकली वो जिम्मेदारी कहता है कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है, उनको वोट डालना होता है, उन्होंने उनकी सिलेक्शन होती है, तो उनको चाहिए इसके ऊपर भी वो तवज्जा करें कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो वो रह ना जाए इलेक्टोरल रोल, अगर वो 18 इयर्स का है, वोट डालने का हकदार है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, उसको वोट उसका डलवाना, डैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। आगे इसके अलावा कहते हैं और भी कई एक्शंस लिए जा सकते हैं, किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें भी वोट डाल लें, ये जो 10 मिलियन का जो गैप है ये भी कम हो जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। कहता है अवेयरनेस कंपेन जो है वो चलाई जा सकती हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड एक्सेसिबल पोलिंग स्टेशन, क्योंकि जो नॉर्थन एरियाज हैं वहां पर आपको पता है कि कल्चर ऐसा है कि औरतों को ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो फिर वहां पर क्या है कि उन औरतों के लिए जो है ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं जो एक्सेसिबल हों, जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नजदीक वो उनको बना दिया जाए, और अवेलेबिलिटी जो है वो सेफ अवेलेबिलिटी हो उनकी, ठीक है ना, तो ये काम किया जाए। और इसके अलावा और क्या है, सोशल कल्चरल बैरियर्स जो है उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि औरतें जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकें। अब सोशल कल्चरल बैरियर्स में वही बातें आ जाती हैं कि जिस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वहाँ यहाँ पर मेल डोमिनेट कंसीडर की जाती है पाकिस्तान के अंदर, कि मेल की डोमिनेशन जो है वो होती है,
अब वो सही है या गलत है मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन जो है उसको एक पैट्रियार्चिकल सोसाइटी पाकिस्तान को कहा जाता है, तो हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, तो उसके मुताबिक औरतें घरों से कम बाहर निकलती हैं। तो ये वाले जो कल्चरल नॉर्म्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए कंपेन्स की जाएँ कि चलें ज़्यादा ना निकले लेकिन वोट डालने के लिए वो निकल आएँ। इसी के अलावा फिर आगे वो कहता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी अपना रोल अदा करें, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करेंगे, जो पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स हैं, जो यानी कि मेल डोमिनेंट नॉर्म्स हैं, कुछ तो हैं जो वाकई ही हैं लेकिन कुछ फजूल भी एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी गई हैं, जो कि हमारा रिलीजन का जिसके साथ कोई तल्लक नहीं है लेकिन उसको भी बीच में ऐड अप कर दिया गया है। जैसे थोड़े दिन पहले जिग्गा जो है उसने आपको बताने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि एक लड़की की जो है डांस करते हुए वीडियो जो है वो वायरल होती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके बारे में फैसला कर दिया जाता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ऐसे छोटी सी गलती के ऊपर उसका मर्डर ही कर दिया जाए। तो इस तरह की कुछ और भी नॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, ठीक है ना। तो ऐसी जो नॉर्म्स हैं उनको एजुकेशन के जरिए और अवेयरनेस के जरिए किया किया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, तो ये इससे क्या होगा कि फिर औरतों की शमूलियत और पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ जाएगी। इसके बाद वो हिस्ट्री की बात करता है कि जो पास इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो था यानी कि ये जेंडर गैप था 2016 के अंदर वो था 13.17 मिलियन 2016 के अंदर, और अब बताया गया है 10 मिलियन, यानी कि अब ये कम हो गया है। तो करंट जो रिडक्शन है ये क्या है, एक पॉजिटिव चेंज है। अब ये पॉजिटिव चेंज कैसे आई है, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा किया या कोई जैसे भी हो, एजुकेशन हुई है, अवेयरनेस हुई है, तो ये एक पॉजिटिव हमारे सामने डेवलपमेंट आई है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, रिगार्डिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। और इसको आप इस अंदाज में, इसको आप जो है इस आइडिया को अपना जो है पिन आउट कर सकते हैं, इसको आप अपने एसे के अंदर लिख सकते हैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। नो वी मूव टू वर्ड सेकंड एडिटोरियल, बलूचिस्तान वॉन्ट्स। बलूचिस्तान वॉन्ट्स, जख्म कहते हैं वॉन्ट्स को, ठीक है। अब इसमें वो क्या बात करता है, यहाँ पर जो है बात वही है, ये पहले एक दफा भी एडिटोरियल कुछ दिन पहले भी आया था जिसमें है ये बलाच मोला बख्श की बात कर रहे थे वो। अब इसको क्या किया गया था, इसको इसका इसको अरेस्ट किया गया था और सीटीडी वालों ने, और बाद में इसका एनकाउंटर कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में वो डिस्कशन करता है कि असल में वो राइट्स की बात करता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन हो रही है। अच्छा जी, पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद ये मेन आपका रहेगा कि ये फिट कहाँ होने वाला है। फिट चले, पहले फिट कहाँ होता है ये बता देना। टेररिज्म का जो टॉपिक है उसके अंदर ये बातें आपका, ये जो आर्गूमेंट्स डिस्कशन करूंगा उसके अंदर आपके फिट हो जाएंगे, मिलिटेंसी के अंदर फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। किस तरह से जो स्टेट है वो मिस हैंडल कर रही है बलूचिस्तान के अंदर चीजों को, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेररिज्म और मिलिटेंसी पाकिस्तान के अंदर से खत्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। तो ये इस तरह से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट, मिस हैंडलिंग ऑफ द स्टेट के नजरिए से, कि मिस हैंडल कर रही है स्टेट जो है उससे सही तरीके से चीजें हैंडल नहीं हो रही, इशूज हैंडल नहीं हो रहे, तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि स्टेट के अंदर टेररिज्म और मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है। तो अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आप इसको इस टॉपिक्स के अंदर, टेररिज्म के अंदर, मिलिटेंसी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो है आप इसको फिट कर सकते हैं। कहता है सीटीडी वालों ने क्या किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बलाच मोला बख्श जो है उसको उसका मर्डर कर देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि ये इनकाउंटर हुआ है इसका, यानी कि इनकाउंटर बेसिकली होता है कि जब कोई अटैक किया जाए तो उसको आगे से रिस्पॉन्स देकर मार दिया जाए, तो ये जो उसकी डेथ है ना ये कंट्रोवर्शियल बन जाती है। अब फैमिली वाले ये कहते हैं कि जनाब ये जो डेथ है ये कस्टडी में हुई है, क्योंकि इन लोगों ने, सीटीडी वालों ने इसको तकरीबन अक्टूबर में अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ था और उसके बाद इन्होंने अपनी कस्टडी में इसको क्या किया है, मारा है। ये कोई उस तरह का जो है ना इनकाउंटर में नहीं मारा गया, ठीक है ना, इन्होंने जानबूझकर उसको मारा है, और लिहाजा वो डिमांड कर रहे हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले की करवाई जाए, लेकिन कुछ भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि वहां के लोग जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट करते करते वो डेरा गाजी खान तक आ गए, ठीक है। और उनका मकसद ये था कि वो इस्लामाबाद जाएं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पर धरना दें और अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। लेकिन जब वो डेरा गाजी खान आते हैं ना, तो वहां पर यानी कि पंजाब का जो ये है, तो वहां पर उनको डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है ना।
डेरा गाजी खान में क्या किया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है। अब डिटेन उनको किया जाता है वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 बेसिकली ऐसी सेक्शन होती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो होती है ना, वो ये वाली सेक्शन जो है वो ये लागू कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 144 की वायलेशन के तहत इनको डिटेन कर लिया जाता है, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। और इसी अब ये क्या है कि उनको वहां पर नहीं जाने दिया, ठीक है ना, इस्लामाबाद। और उसके बाद बताता है कि हक दो तहरीक भी इस तरह से चली थी, उसमें भी जो था उसका जो हेड था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है ना, उसके साथ भी यही हाउस का भी यही हाल हुआ। और बाद में इन फोर्स डिसअपीयरेंस जो है बलोचिस्तान में जो होती है उसके सामने, यानी कि पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया, बाद में वो गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो यही होता है कि जो भी बंदा प्रोटेस्ट करता है, ठीक है ना, जिसके साथ भी इनके ज्यादती होती है ना, जिसकी वायलेशन होती है, यहाँ तो वो जाता है ना, कहता है कि मेरी ये बात सुन लो, तो यहाँ तो उसको डिले कर दी जाती है बात, उसकी बात सुनती नहीं है। अगर वो ज्यादा प्रोटेस्ट करता है तो वो फिर इनफोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो जाता है। तो ये स्टेटस जो है, ये चीजें वहां पर हो रही हैं। अब हक दो तहरीक का भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एडिटोरियल वाले ने तो नहीं लिखा लेकिन मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली अब ये हक दो तहरीक वाला ये कह रहा था जो ग्वादर है ना उसके हवाले से, कि ग्वादर पोर्ट के हवाले से वो बात कर रहा था कि ग्वादर पोर्ट बनने की वजह से हम लोग को 1, 2, 3 तकरीबन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नंबर वन, चेकिंग, कि हमें जो है ना रस्ते में बहुत ज्यादा पोस्ट बनाई हुई है, जगह जगह पर बार बार हमको चेक किया जाता है, हाँ कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इसके अलावा इसके बावजूद हमें बार 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 चेक किया जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, मछलियां पकड़ते थे बलोचिस्तान वाले पोर्ट के ऊपर जाकर, तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि इनको मछली भी नहीं पकड़ने दी जा रही, या पकड़ भी रहे हैं तो उतनी ज्यादा नहीं पकड़ पा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि वहां पर जो है ना ट्रॉलर जो है, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो बहरी जहाज होते हैं उनके ट्रॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर ये समुंदर की बेस है ना तो यहाँ पर वो अपना कड़ा फेंकते हैं लोहे का बना हुआ, तो वो क्या करता है, इरोड करके सारी छोटी बड़ी मछलियों को वो ले जाता है। हालांकि ये वायलेशन है, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेसमैन क्लास ये वहां पर कर रही है। तो इनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जनाब ये काम बंद करो, इससे क्या हो गया कि जहां तो मछलियां भी कम हो रही हैं और हमारा भी नुकसान हो रहा है और वायलेशन भी आप लोग कर रहे हैं। तीसरा, ईरान के साथ ट्रेड जारी थी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन लोगों को बहुत ज्यादा। तो इन तीन चीजों को लेकर इन लोगों ने, हक दो तहरीक वालों ने क्या किया, अपना वहां पर प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो ये भी मैंने कहा चलो आपको साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी इसके ऊपर। अब ये जो मार्च जिसको वहां पर रोका गया था, ये मार्च बेसिकली क्या था, वो लोग राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उनका एक्सरसाइज करना, इनके पीसफुली एक्सरसाइज कर रहे थे अपना राइट टू प्रोटेस्ट। लेकिन क्या हुआ कि स्टेट कहता है हैज नो बिजनेस टू डिटेन देम, स्टेट को उनको डिटेन नहीं करना चाहिए था। उनकी जो डिमांड थी ऑफ द प्रोटेस्ट क्या थी कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए इनटू द केस, इस केस की, एंड एंड द आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ बलूच यूथ। बलोच यूथ जो है जिनको गैर जो है कानूनी तौर पर आल वो डिटेन किया हुआ है, उनको छोड़ा जाए। तो कहता है ये इनकी डिमांड जो थी ये कोई गलत डिमांड नहीं थी, तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए, शुड बी सेटिस्फैक्टरली मीट, ठीक है, और द मार्च इज अलोड टू प्रोसीड टू द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्रेस देयर क्लेम्स। कि यहाँ तो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको आप लोग मान लेते, अगर नहीं मानना था तो उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाने जाके और जाकर वहां पर वो कंप्लेन अपनी कर सकते इसमें, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। ये कौन कह रहा है, एडिटोरियल वाला कह रहा है। लेकिन कहता है कि जब इस तरह की जो पीसफुल डिमांड्स होती हैं इन लोगों को, आप इन डिमांड्स को आप इग्नोर करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि एम्प्टी या उनके साथ झूठे वादे करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है किसके दरमियान, जो पीपल ऑफ बलूचिस्तान है और स्टेट के दरमियान, उनको स्टेट के ऊपर यकीन नहीं रहता। जब उनको स्टेट के ऊपर यकीन नहीं ना रहता तो फिर इससे क्या होता है, जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट है ना वहां पर, वो एक्सप्लॉयट कर लेते हैं ऐसे लोगों को, जिनकी जिन लोगों की राइट्स की वायलेशन हो रही है और स्टेट उनकी बात नहीं सुन रही, तो फिर अल्टीमेटली ये वाले जो लोग हैं ये हमदर्द बनते हैं ऐसे लोगों के और इनको अपने साथ मिला लेते हैं। तो इस तरह से जो बलोचिस्तान में जो टेररिज्म है और जो मिलिटेंसी जो है वो अगर बढ़ रही है, तो उसकी जो वजह है वो स्टेट की मिसहैंडलिंग है। तो स्टेट क्या करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको दे,
जिस तरह से बाकी पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होती हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी वो क्या हूँ अप्लाई हूँ, और लोगों को वो यकीन कराए, बलूचिस्तान के लोगों को स्टेट के हम जो है केयर करते हैं उनकी, ठीक है ना, हम उनका ख्याल करते हैं, आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करते, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं देते, बल्कि उनके राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो अल्टीमेटली दो फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो इस चीज का नजायज फायदा उठाएंगे, और उसके रिजल्ट हमारे सामने फिर आएंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की शक्ल के अंदर, उसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे टेररिस्ट अटैक की शक्ल के अंदर। तो इसका मतलब तो फिर ये सारी हमारे डिस्कशन से ये निकला कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेट के जो काम है ना, ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस और लोगों के राइट्स की वायलेशन करना, दैट इज द रीजन ड्यू टू विच जो बलोचिस्तान के अंदर से ये जो जंग जो है ये खत्म नहीं हो रही। तो दैट इज द रीजन, आप टेररिज्म और मिलिटेंसी की जब आप बात कर सकते हैं तो वहां पर आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। आगे जी आ जाता है हमारा थर्ड जो है एडिटोरियल, इंटरनेट फ्रीडम। इंटरनेट फ्रीडम के अंदर जो है वो यही बताता है कि पीटीआई वालों ने जलसा किया ऑनलाइन, तो लोगों के जो इंटरनेट को प्रॉब्लम आ गई, लोगों जो है वो सोशल मीडिया पर जो है अटैच नहीं हो सके, तो ताकि उनका जलसा जो है वो सही तरीके से ना हो सके। लेकिन उसके साथ साथ वो फिर और बातें भी करता है, तो जलसा तो आप लोगों ने खराब कर दिया, लेकिन दूसरे लोग कितने डिस्टर्ब हुए उनकी बात वो करता है। तो इसको अगर मैं टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले अगर इसकी आप फिटिंग करना चाहते हैं कि पेपर में कहाँ फिट होगा, डेमोक्रेसी में नेगेटिव, ठीक है, कि ये क्या है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव, फंडामेंटल राइट्स की आपने वायलेशन की है। इकोनॉमी नेगेटिव, यानी कि इकोनॉमी की इससे तबाही हुई है। सोशल मीडिया और मीडिया के पर्सपेक्टिव में अगर डिस्कशन की जाए तो नेगेटिव, कि फ्रीडम ऑफ सोशल मीडिया पाकिस्तान में नहीं है। तो ये आप इसको नेगेटिव का मतलब है कि इन चीजों के ऊपर इस काम के नेगेटिव असरात पड़े हैं। तो इन सारे डिमेंशंस के अंदर आप इस चीज को फिट कर सकते हैं। अब क्या कहता है आगे, अब मैं एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ। कहते हैं फ्रीक्वेंट इंटरनेट बैंस पाकिस्तान के अंदर पहले भी हुआ है। पीटीआई वालों ने क्या किया कि हमने पार्टी विचुअल पावर शो अपना करवाना है, तो उससे क्या होता है कि वो अपना कहते हैं कि हम ऑनलाइन ये काम करेंगे, तो इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है, बंद बैन कर दिया जाता है, तो ये पावर शो ना हो सके। तो इसी तरह से कहता है कि अर्ली इस वजह से ही इस साल के पीछे भी आपको पता है कि इसी साल में क्या क्या हुआ, तो उस इस साल के शुरू में वाशिंगटन डेयर्स एक नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस है, उसने जो है पाकिस्तान को लिस्ट किया एज नॉट फ्री कंट्री के अंदर, इंटरनेट फ्रीडम स्कोर के अंदर जो है पाकिस्तान को उन्होंने क्या कहां पे लिस्ट आउट किया है, नॉट फ्री, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट फ्रीडम है वो फ्री नहीं है। ये किसने किया है, फ्रीडम हाउस ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले भी कई दफा इंटरनेट बंद हो चुका है। तो इससे क्या होता है, मिलियंस जो होते हैं ना ऑफ कम्युनिटी, मिलियंस ऑफ टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेट द राइट ऑफ मिलियन टू कम्युनिकेट रिसर्च लर्न एंड इवन मेक अ लिविंग, ये सारे के सारे क्या हैं, इससे क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा जी, ई कॉमर्स वाले जो आपको पता है ऑनलाइन सारा काम करते हैं, उनको क्या इफेक्ट हुआ इससे, प्रिवेंट मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम डूइंग बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलायंट ऑन द इंटरनेट। तो वो क्या हुआ, अपना बिजनेस नहीं सही तरीके से कर पाए, और साथ साथ जो वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे थ्रू इंटरनेट वो भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब किया तो उन्होंने पॉलिटिक्स की फ्रेमवर्क में था ना, लेकिन उसके वजह से दूसरों के ऊपर कितने नुकसान हुए वो डिस्कस करता है, और स्टेट ने किस तरह से हर्ट किया है, स्टेट के इस काम ने इंटरनेट बंद करने से किस किस को हर्ट किया, स्टूडेंट्स हर्ट हुए हैं एजुकेशन में, सेलुलर कंपनीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनको नुकसान हुआ है, डेली वेजेस जो हैं जैसे डिलीवरी पर्सनल हैं, ऑनलाइन मेडिकल्स हैं, कार एंड टैक्सी सर्विस वाले हैं, और इसी तरह का जो स्मॉल होम रन बिजनेस करते हैं वो सारे के सारे आपको पता है ये काम कहाँ पर होते हैं, इंटरनेट पर होते हैं। तो आपने तो पॉलिटिकल डोमेन में अपना काम कर दिखाया, लेकिन उससे जो दूसरे ये सारे लोग जो हैं ये डिस्टर्ब हुए हैं, यहाँ से आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, और ये सारे के सारे काम भी लोगों की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ये इंटरनेट वाली प्रैक्टिस जो बंद करने वाली प्रैक्टिस है, ये पाकिस्तान में तो है ही है, चाइना में भी की जाती है, और सऊदी अरेबिया के अंदर भी सिमिलर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू है। सो दैट इज ऑल इन आवर थर्ड एडिटोरियल। तो इसको आप जो है ये मैंने पहले वाले जो चार बताए हैं, इसके अंदर आप ये जो फ्री इंटरनेट बंद कर देते हैं, इसके अंदर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये एक नेगेटिव चीज है। ये है जी टू डेट पिक्चर, इसके अंदर जो है वो आपको दिखाया है कि ये यूएसए डॉलर दें
ठीक है, 21,200, 2,12,000, 2,12,000 इतना ही दें जी, इतने पैसे दें। और क्या करें, मार्कोर जो है ये आपका जो है इसको क्या करें, इसकी इसका शिकार कर लें। सो डॉलर दें और शिकारी जो है वो जाए और शिकार कर ले, परमिट आपको दिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आप उसको शिकार कर लेते हैं। सो दैट इज द पिक्चर जिसमें वो दिखा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब ये बिजनेस भी शुरू है कि जनाब ये डॉलर दिया जाए आपको और आप उसको परमिट देते हैं, वो जाकर फिर क्या करता है, शिकार करता है और दैट्स इंजॉय करता है। सो दैट इज गोइंग ऑन। सही है या गलत है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, बस ये पिक्चर आई है और ये उन्होंने डिस्कशन कर दी है। सो जी आपके जो एडिटोरियल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नो वी मूव टूवर्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स ओपिनियंस, और ओपिनियंस के अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या है नई चीजें हमारे लिए वो डिस्कस करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आपने रिप्लाई जरूर देना है, और साथ साथ इसके अलावा जो भी आप डिमांड्स हैं, जो भी चीजें आप समझते हैं होनी चाहिए वो आप एडअप करते जाएं, ठीक है ना। और साथ साथ ये जो है लेक्चर जो है इसके बारे में भी फीडबैक हमें जरूर दें। चलें जी, रिविजिटिंग द सीओडी। सीओडी क्या है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके ऊपर बात होगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब फर्स्ट बात करने से पहले, अब ये टॉपिक जो है ये अल्टीमेटली जैसे उसके नाम से ही जाहिर है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर ये जो है डिस्कशन होगी। अब इसमें वो कहना क्या चाहती हैं आरिफा नूर, आरिफा नूर क्या कहती हैं देखते हैं। इसका पहले मैं क्रक्स आपको बता देता हूं। 2008 में असल में होता है इलेक्शन, ठीक है, और उस इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठती हैं और वो फैसला करती हैं कुछ कि यार क्या लड़ाई में रखा है, तो इलेक्शन करवाते हैं, जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट में आने देंगे और मिलकर जो है पाकिस्तान को चलाते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ना मिलकर गपशप की गई, इसे कहते हैं सीओडी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो है गवर्नमेंट आती है 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की, ठीक है। और इस पार्टी, और वो कहती है कि जब ये पार्टी की पावर आती है ना तो ये फिर 5 साल तक जो है ये गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। तो यहां पर वो ये बात करती है कि 2008 के बाद जो स्टेबिलिटी हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी में देखने को देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ सीओडी की वजह से नहीं थी, बल्कि कुछ और फैक्टर भी थे। अगर आप सिर्फ ये कहें ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से स्टेबिलिटी रही तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कुछ और फैक्टर्स भी थे जिनकी वजह से ये जो है ना बाद में स्टेबिलिटी रही। अब वो फैक्टर्स क्या हैं साथ में वो भी उसको भी डिस्कस करती है। अब पहले मैं ना इस डिस्कशन से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी रहे। अब होता क्या है जी, 2007 के 2006 के अंदर जो है ना ये लंदन के अंदर डिस्कशन होती है बेनजीर भुट्टो साहिबा की और नवाज शरीफ जो है, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे आपस में साइन करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद ये 2007 की पिक्चर है और इसके अंदर ये आपस में डिस्कस करते हैं कि जनाब अभी इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है, 2007 के अंदर, और जो है जो गवर्नमेंट आएगी उसको डेमोक्रेटिकली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानेंगी भी और चलाएंगी भी। सो इस तरह की डिस्कशन इनकी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है इसका नाम फिर रखा जाता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या है, अंडर ऑफ चार्टर क्या होता है कि सारे के सारे वादा करते हैं कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो मिलिट्री से सपोर्ट नहीं लेगी, ठीक है ना, पावर में आने के लिए। सबसे बड़ी बात कि मिलिट्री से सपोर्ट हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी, हमने खुद से इलेक्शन लड़ना है और जो है पावर में आना है, फेयर इलेक्शन करवाने हैं, फ्री इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है ना, ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस अच्छे हो सके। यानी कि इस तरह की जो मेन था ना इसका सीओडी का वो ये था कि मिलिट्री से हमने जो है हेल्प नहीं लेनी, हमने सिर्फ वहां पर इलेक्शन करवाने हैं सबने मिलकर फ्री एंड फेयर, और उसके बाद जो भी पोलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो उसकी बात हम सुनेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसमें अंदर बाकी बातें वही जो है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, सिटीजनशिप, ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, लिबर्टी टू एंड मिनोरिटी, इस तरह की बातें सारी। लेकिन मेन ये था कि मिलिट्री से भाई मदद नहीं लेनी, अपनी गवर्नमेंट खुद ही बनाएंगे, जो बना देगा ठीक है और चलते जाएंगे। अब होता क्या है,
उस 2006 में ये साइन हो जाता है, 2007 के अंदर इलेक्शन होने थे, 2007 में बेनजीर भुट्टो साहब आती हैं, और 2007 के अंदर ही दिसंबर के अंदर उनका क्या हो जाता है, आपको पता है उनके ऊपर अटैक होता है और वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर इलेक्शन कुछ मेरे ख्याल थोड़ा सा डिले होते हैं, और 2008 में फिर इलेक्शन हो जाता है, और इलेक्शन कौन जीत जाता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, और उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी प्रेजिडेंट बन के हमारे सामने आ जाते हैं। जब 2008 में वो प्रेजिडेंट बन के हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट चलती है, तो इसके ऊपर वो बात करती है कि ये जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट चली थी ये सिर्फ और सिर्फ सीओडी की वजह से नहीं चली, इसकी और भी रीजंस हैं। अब वो रीजंस वो हमारे साथ वो डिस्कस करती है। मेन आपको मैंने समझा दिया, अब यहाँ पर भी वही बात करती है कि 2008 के बाद जो है वो रिलेटिवली स्टेबल था, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये 2008 के बाद भी स्टेबल रही। सीओडी आपको बता दिया एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टीज ने ये एक्सेप्ट किया कि वो एक दूसरे की लिजिटिमेट फोर्स, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एज ए लीगल फोर्स। जैसे हम जब नैब का चेयरमैन लगाएंगे या केयर टेकर सेटअप लगाएंगे तो उसके अंदर हम मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो लार्जर आइडिया था ना बिहाइंड सीओडी वो ये था कि पॉलिटिकल स्पेस जो है ना पार्टीज के लिए क्या की जाए, बढ़ाई जाए बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, तो ये भी था ये कि सारा का सारा था। अब यहां पर मिलिट्री सिंबॉलिक रिट्रीट हमारे सामने आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जब ये हो जाती है ना 2008 के अंदर जब ये आ जाते हैं इलेक्शन जीत का, तो उसके बाद कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये ज्यादा देर तक स्टेबिलिटी रही, वो था कि मिलिट्री जो थी वो रिट्रीट कर गई। कियानी साहब थे तो कियानी साहब ने क्या कहा कि मैं जो है ना मिलिट्री वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 5 साल तक इनकी गवर्नमेंट चल गई, और दूसरा इन्होंने 18th अमेंडमेंट भी जो है वो भी अप्रूव कर दी। अगर मिलिट्री होती बीच में स्टेब्लिशमेंट होती तो ये 18th अमेंडमेंट कभी भी अप्रूव ना होती, और आजकल आप देख भी रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ा सख्ती से देखा जा रहा है, इसी 18th अमेंडमेंट को इसको रिव्यू किया जाए क्योंकि उसमें जो है फाइनेंस का इशू आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट को। उसके लिए मैंने लेटर से एडिटोरियल डिस्कस किया हुआ है तो उस तरफ मैं नहीं जाता। सेकंड जो है कहता ये काम हो गया, अब जो है सेकंड, ठीक है ना, अब क्या है, जब कियानी जो था पावर में, कियानी जो था जनरल कियानी था उसने तो कहा मैं नहीं आऊंगा, जैसे कियानी जाता है खत्म होता है साइड पे होता है दूसरा आ जाता है, तो उन्होंने साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करती है उसकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है कियानी के साथ ही उसकी पॉलिसी, ठीक है ना। जैसे कियानी जाता है पॉलिसी गई, अब नया आया अब जनरल तो पॉलिसी भी नहीं, तो उसके बाद क्या है साथ ही 2014 में धरना की सियासत पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाती है, और जो टेररिस्ट अटैक होता है उसकी वजह से अपेक्स फोर्स बन जाती हैं, तो क्या हो जाती है नौीयत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और एक तो रीजन इसने ये बता दी कि आरबी ने कह दिया कि मैं जनाबी अली नहीं आऊंगी बीच में, आप लोग अपनी गवर्नमेंट चलाएं, 2008 के बाद 5 साल चलाई। इसके अलावा दूसरी रीजन एक और भी बताता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी है ना उन्होंने आपस में क्या कर लिया था, मुखबुका कर लिया था कि हम हमारा जो स्फेयर है ना इन्फ्लुएंस का वो उन्होंने क्या किया था, उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया था। जैसे उन्होंने कहा नून लीग वालों ने कहा पंजाब में हम रहेंगे, उन्होंने कहा सिंध में हम रहेंगे, अपनी अपनी बाउंड्रीज उन्होंने डिफाइन कर ली। लेकिन कहता है इससे जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी को काफी नुकसान हुआ, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जब सेक्रीफाइस मोर दिया तो उसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है जब वो पंजाब से बिल्कुल खत्म होगी तो वो सिर्फ एक प्रोविंशियल जो है पार्टी बनकर रहेगी। ये डिस्कशन, ये दो रीजन वो डिस्कस करती है। आगे वो कहती है कि इस सीओडी के अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, अब वो फ्लॉज क्या है, वो ये कहती है कि जहां जब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और इन्होंने आपस में बात की ना अपने इलाकों की कि ठीक है मैं वहां पर रहूंगा तुम वहां पर रहना, तो दूसरे दो सूबे जो थे बलूचिस्तान और केपे की ये इन्होंने छोड़ दिए किसके पास, मिलिट्री के पास, वहां पर मिलिट्री की डोमिनेंस होगी और खासतौर पर फाटा के इलाके में, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो जब जहां पर पंजाब में और सिंध में जो थी एक गोल्डन पीरियड था ना डेमोक्रेसी का, उस वक्त इन दो सूबों के अंदर क्या हो रहा था, इन दो सूबों के अंदर जो था वायलेंस हो रही थी, ठीक है ना, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे अपने घर बार छोड़कर। तो यहाँ पर ये सीओडी की बात करती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, और उसके बारे में वो डिस्कस करती है कि एक दो रीजन थी जिसकी वजह से जो है 2008 के बाद भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट कायम रही, और वो रीजन उसने बता दी है कि इन्होंने आपस में जो है एरिया डिफाइन कर लिया था, मिलिट्री ने कह दिया कि मैं बीच में नहीं आऊंगी, जैसे ही जनरल जो है चेंज होता है तो मिलिट्री अपना जो है वो चेंज आउट कर लेती है, और साथ ही साथ जो सीओडी के कुछ फ्लाज भी बता, इन फ्लाज भी बता देता है वो क्या है कि जो उन्होंने केपे की को और बलूचिस्तान को मिलिट्री के
हाँ छोड़ दिया, तो वहां पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया और लोगों को लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो दैट इज ऑल व्हिच ही डिस्कस इन फर्स्ट ओपिनियन। नो वे मूव टुवर्ड सेकेंड ओपिनियन, डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज। अक्सर टीचर कहता है ना, तो बेंच जो बैक वाले बच्चे होते हैं वो शरारत करते हैं, सर इसने ये कहा, सर उसने वो कहा, तो वो कह देता डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज, छोड़ दो यार, मिट्टी पाओ, इस तरह की बात। यहां पर ये क्या कहेगा, ये जो आपका टॉपिक है बेसिकली ये है कश्मीर इशू के ऊपर, जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो है कश्मीर, आर्टिकल जो है आपका 370, उसके ऊपर ये बात करने जा रहा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताता है कि जो चीजें ये वाले कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये वो, किस तरह से जो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं उन्होंने अपनी किताबों में इन चीजों को गलत कहा है, तो वो बातें वो करेगा। कहता है आर्टिकल 370 की बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में इसको क्या किया था, अब्रोगेट कर दिया था, और आज थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी ने फैसला किया और उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल ठीक किया था, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, इसको अब्रोगेट कर देना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये उस वक्त का जो प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, ये उस वक्त की जरूरत थी, बस इसको बना दिया गया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, और जो है इंडिया को, जो कश्मीर है उसको इंडिया का प्रॉपर हिस्सा बनाया जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दी जाए। ये बात होगी पुरानी स्टोरी वही वाली। मिस्टर मोदी, आपको कहता है कि मिस्टर मोदी ने ना वो क्रिटिसाइज किया जवाहरलाल नेहरू को, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, दो चीजों के ऊपर, कि एक जो उसने सीज फायर का मुआहदा कर लिया था पाकिस्तान के, उसके हवाले से, और दूसरा जो यूएनओ के अंदर केस लेके गया था, इन दो चीजों के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और पहले भी कहा था उन्होंने पिछले ओपिनियंस के अंदर भी कि ये बात, कि ये बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को, कौन मोदी वाले, अब ये क्यों सारा इतना कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं भाई, अगले साल वहां पर इलेक्शन होने लगे हैं, अब इस तरह के काम करेंगे तो वोट लेंगे ना, ठीक है। जैसे वो जो थी बासी मस्जिद, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, वो बना दिया अपना मंदिर शंदर, उसकी ओपनिंग करने वाले हैं वो, बल्कि कर भी दिया शायद थोड़े दिन पहले उन्होंने, तो ये क्यों हो रहा है, इलेक्शंस, और इलेक्शंस ये कैसे लेते हैं आपको पता है, कम्युनल बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू को, कि उसने बिल्कुल गलत किया था, सीज फायर भी नहीं करवानी चाहिए थी, यूएनओ के पास भी नहीं जाना चाहिए था, बल्कि कश्मीर जो इनके पास, पाकिस्तानियों के पास कश्मीर है, उसको भी वापस ले लेना चाहिए था। अब इन दो चीजों के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है ना, वो अपनी बुक में बताता है कि उसने ये दोनों काम क्यों किए थे, क्या मजबूरी थी उसको, ठीक हो गया। आप आगे जाते हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं पुनियानी, वो लिखते हैं इसके रिस्पॉन्स के अंदर, कहते हैं कि तुम लोग ये कह रहे हो ना, तो वो कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो ना कि ये नहीं जाना चाहिए था, उससे सीज फायर नहीं करवानी चाहिए थी और यूएनओ के पास नहीं जाना चाहिए था, और इस कहने की सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है ना, हरीश सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन दिया था उसकी वजह से कह रहे हो ना। तो भाई वो कहता है कि पाकिस्तान वालों ने अभी तक इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था वो सही था या गलत था, तो पाकिस्तान तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको आज जिसकी बेस के ऊपर आप ये सारी बातें कर रहे हो। अब पहले आगे में जाने से पहले ना, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या था, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हमारी होनी है। तो बेसिकली होता ये है कि जब ही 1947 के अंदर जो है इंडिपेंडेंस एक्ट पैदा होता है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो वो ये कहता है कि भाई उस वक्त ना तीन किस्म के थे, पाकिस्तान इंडिया बनता है ना, तीन किस्म के एरियाज थे। नंबर वन दो थे मेजोरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, और तीसरा वो था जो स्टेट्स थी, ठीक है ना। अब ये जो स्टेट्स थी ना, बेसिकली इनके बारे में ये था कि जिसके साथ ये चाहें बेशक इनके साथ मिल जाए या बेशक इनके साथ मिल जाए, ठीक है। अब जो कश्मीर था, कश्मीर का राजा हिंदू था, ठीक है ना, हरी सिंह था, सिंह था, यानी नॉन मुस्लिम था, हरी सिंह साहब, ठीक है ना, वो नॉन मुस्लिम थे। मेजोरिटी जो थी वो कौन सी थी, मुस्लिम्स थी, ठीक है। अब होता क्या है कि हर स्टेट को कहा गया कि भाई जिसके साथ मिलना है मिल जो, नहीं मिलना ना मिलो, तुम लोगों की मर्जी। अब हरी सिंह चाहता था कि मैं किसी के साथ ना मिलूं, मैं आजाद रहूं, स्टेट अपनी अपने पास ही रखूं, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बाद में ये कहा गया कि हरी सिंह ने क्या किया है, जाकर इंडिया वालों के साथ मुआहदा कर लिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन कर लिया कि मैं आप लोगों के साथ मिलना चाहता हूं। अब इस बेस के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, ये बात की जाती है कि हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसके साथ कर लिया, इंडिया के साथ, लिहाजा जो पाकिस्तान के पास है ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो गलत है, वो भी वापस किया जाए,
ठीक है जी, ये है बात। अब इस बात को जो है पाकिस्तान नहीं मानता, हरी सिंह ने ये जो काम किया था इसको पाकिस्तान नहीं मानता कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन की बात है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। इंडिया वाले कहते हैं ऐसा हुआ है, तो ये एक चीज तो ये होगी। अब बुक वाला ये कहता है कि पाकिस्तान ये नहीं मानता, और दूसरी टीम कहता है कि जो महाराजा हरी सिंह था वो भी चाहता था कि मैं आजाद ही रहूं, उसने मर्ज होने से रिफ्यूज कर दिया था। ये प्रोफेसर आप सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बातें आप कर रहे हैं उनको जवाब दे रहा है कि जो आप बातें कर रहे हो सीज फायर नहीं होनी चाहिए थी, यूएनओ के पास नहीं जाना चाहिए था। तो उसके जवाब ये हैं कि पाकिस्तान तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन मानता ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो महाराजा हरी सिंह ने कभी ये उसको चाहता ही नहीं था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो, वो तो उसने तो रिफ्यूज कर दिया था कि मैंने किसी के साथ मर्ज ही नहीं होना। हाँ, वो कहता है कि सरदार पटेल जो था, जो कि डिप्टी पीएम था उस वक्त, वो उसका एक पास एक प्लान था। अब वो प्लान क्या था कि हैदराबाद जो है वो इंडिया को दे दो और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दो। लेकिन इसके अंदर क्या था, एक प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम थी शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला कौन था, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर जो एक लीडर था, जो कश्मीरी जो है, जो बड़ा पॉपुलर लीडर था कश्मीर के अंदर जो है, शेख अब्दुल्ला जो था। तो इसने नेहरू के साथ मिला और इसने कहा कि यार जो है ना इस कश्मीर को क्या करो, इंडिया के साथ मिला लो। हालांकि जो सरदार पटेल का ये प्लान था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे देते हैं, हैदराबाद इंडिया को दे देते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ हरी सिंह चाहता था कि मैं आजाद ही रहूं, ठीक है। लेकिन तीसरी तरफ जो जो शेख अब्दुल्ला जो कि कश्मीर के अंदर एक लीडर था, मशहूर था, इसने नेहरू के साथ मिला और इसने कहा यार ये कश्मीर जो है ना तुम लोग जो है ना इसको इंडिया के साथ मिला लो। अब इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह वो ये बताता है कि असल में जो है ना शेख अब्दुल्ला वो इंडिया की साइड पे क्या, उसने इंडिया की साइड को चूज किया और उसने जो है इसको रिलीजन की बेस के ऊपर जो है ये चूज नहीं किया था, मगर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बेस के ऊपर उसने इसको चूज किया था इंडिया को। क्यों, क्योंकि वो जानता था ही वाज कीन फॉर लैंड रिफॉर्म्स, वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहता था, जो कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाता तो उसे पता था कि मैं लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकूंगा शेख अब्दुल्ला जो है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर जो है ना प्री डोमिनेंट जो लीडरशिप है ना वो फ्यूडल माइंडसेट की है, कि वो फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं, तो वो कभी भी मेरा जो आइडिया है ना लैंड रिफॉर्म्स करने का उसको नहीं मानेंगे। तो लिहाजा बेहतर ये है कि मैं इंडिया के साथ मिल जाता हूँ ताकि मेरा ये वाला जो आइडिया ना ये वर्कआउट कर सके कश्मीर में। तो ये जो कहता है कि सारा प्लान जिसको आप कह रहे हैं उनको बातें कर रहे हैं नेहरू साहब को कि ये उसने ऐसे किया वैसे किया, तो ये सारी किस बेस पे आप कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन की, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन को तो पाकिस्तान बिल्कुल मानता ही नहीं है, और दूसरी तरफ जो है ये सरदार पटेल साहब ने ये प्लान किया था तो ये असल काम तो शेख अब्दुल्ला ने किया हुआ है। तो ये सारी वो डिस्कस करता है और आगे जाके भी वो फिर सीज फायर का रिप्लाई बड़ा प्यारा देता है। जो सीज फायर कह रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी वाले जो है बार बार कहते हैं कि जनाब अली सीज फायर होना ही नहीं चाहिए था, हमने ऐसे ही उनको वो कश्मीर का टोटा दे दिया पाकिस्तान वालों को, हमने उसे वापस ले लेना चाहिए था, हमने ऐसे नेहरू ने जो सीज फायर किया था बिल्कुल गलत किया था, तो उसका वो बड़ा प्यारा रिप्लाई अपनी बुक में लिखता है। वो कहता है कि जून 1948 के अंदर एक लेटर जो है ना वो गोप्सलवे में जो ये नाम है इसको क्या होता है रिसीव होता है। अब उसके अंदर क्या लिखा होता है, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी होती है कि मिलिट्री पोजीशन इज नॉट टू गुड, कि मिलिट्री जो हमारी है ना इंडिया वाली उसकी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, एंड आई एम अफ्रेड, और मुझे डर है डैट आवर मिलिट्री रिसोर्सेज, के हमारी जो मिलिट्री के रिसोर्सेज हैं आर स्ट्रेन, बहुत थोड़े हैं, खत्म हो जाएंगे टू द अटमोस्ट। यानी कि एक तो हमारी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, जो लेटर आता है मिलिट्री वाला उसको बताते हैं कि जनाब हमारी पोजीशन भी अच्छी नहीं है ये LOC के ऊपर, और दूसरा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ना वो भी बहुत थोड़े हैं, किसी वक्त भी खत्म हो सकते हैं, और हमें डर है कि हम फिर इस सूरत हाल को नहीं संभाल सकेंगे। तो जब ये लेटर उनको रिसीव होता है ना तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो सीज फायर की बात करते हैं और जो है 1948 के अंदर वो सीज फायर करवाते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो आप किसको दिया, नरेंद्र मोदी साहब को, कि क्यों उन्होंने सीज फायर को, वो पागल नहीं थे, वो समझदार इंसान थे। आगे वो आ जाते हैं आर्टिकल 370 की डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में वो कहते हैं कि दो जो फॉर्मर जज हैं ना इनके नाम लिखे हुए हैं, इनको हमें नाम रखना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस उन्होंने इंडिया के जो बड़े पढ़े लिखे समझदार रीजनेबल जो एक नॉलेजेबल जज थे ना दो, उन्होंने अभी ये कहा है कि ये जो इनकी जुडिशरी ने, जो पहले पुराने जज थे उन्होंने कहा है कि अभी जो जुडिशरी ने डिसीजन लिया है ना ये वाला बैक जो दी है कि आर्टिकल 370 को डिसमेंटल करने की जो उन्होंने सपोर्ट की है ये बिल्कुल गलत की है, ठीक हो गया। एक चीज वो ये करता है,
दूसरी वो बताता है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है आर्टिकल 370 को डिसमेंटल करने में। पाकिस्तान के बारे में कहता है कि काकर साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिफंड कराया है कि हम मोरली तौर पर जो कंट्री हमारा मोरल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो कश्मीरियों के लिए हमेशा से खड़ी है, मतलब कि हम इसको नहीं मानते। फिर यहाँ पर चाइना का भी हिस्सा है, तो चाइना का रिस्पॉन्स रहा 370 के ऊपर, चाइना ने बिल्कुल सीधा सीधा उसने कहा कि हम जो है ना चाइना हैज नेवर रिकग्नाइज द सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सेटअप यूनिलेटरली, जो इलीगली उन्होंने खुद ही बना लिया, हम इसको क्या रिकग्नाइज नहीं करते। और आगे उन्होंने बड़ा साफ सुथरा गया कि इंडिया डोमेस्टिक जुडिशियल वर्ल्ड जो उन्होंने अपना अपने घर में जो फैसले किए हैं ना उनकी जुडिशरी ने, उससे हमारा जो स्टांस है वो चेंज नहीं हो सकता। अब वो क्या है कि द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर, जो वेस्टर्न सेक्शन है ना, वेस्टर्न हिस्सा है चाइना इंडिया बॉर्डर का, वो हमेशा चाइना से ही उसका तल्लक है और चाइना से ही उसका तल्लक रहेगा, बिलोंग करेगा। इनके जो फैसले हैं ना जुडिशरी के और ये घर में जो कर रहे हैं उससे इसके ऊपर कोई असर, हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। सो दैट इज ऑल व्हिच ही डिस्कस इन सेकंड ओपिनियन आर्टिकल 370 को लेकर कुछ बातें वो करता है। सो आई हैव डिस्कस विद यू, यहां से आपको क्लैरिटी आ गई कि व्हाट इज स्टांस ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज स्टांस ऑफ चाइना और आर्टिकल 370 और उनके अपने जो जुडिशरी के कुछ लोग हैं उनका क्या रिस्पॉन्स था, और ये जवाहरलाल नेहरू ने क्यों सीज फायर लैंड करवा दी थी उस वक्त, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में जो थोड़ी बहुत एम्बिग्युटी थी वो इस प्रोफेसर की स्टोरी से उसकी किताब से जो है उसने डिस्कस की है। Now we move toward our third opinion, ambitious outcome. COP28 के बारे में बात कर रही थी कि वहां पर क्या हुआ और बड़ी क्या क्या अच्छी चीजें वहां पर हुई, ठीक है ना, और यदि आउटपुट्स क्या क्या रही COP28 की, ठीक है। ये बात करेगी, आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट चेंज का। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और पेपर परस्पेक्टिव में आपको इसके डिफरेंट डिमेंशन जो है वो पता होनी चाहिए, ऐसे में भी ये आएगा इंशाल्लाह। आउटकम्स की बात करती है वो COP28 की, वो क्या कहती है, फॉसिल फ्यूल्स को जो है फर्स्ट टाइम जो है एक्शन लिया गया उनके खिलाफ, उनको खत्म कर दिया जाए, एक ये अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट क्या है जी, के ऑपरेशनलाइजेशन एंड इनिशियल कैपिटलिज्म, लॉस एंड डैमेज फंड बना दिया गया जी, दूसरी ये है। नंबर थ्री क्या है, और इसके अलावा 85 बिलियन जो रुपीज है उसका क्या किया गया, वादा किया गया क्लाइमेट एक्शन के खिलाफ। तो ये तीन आउटकम्स जो हैं ये इमीडिएटली जो है COP28 की हैं। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर एक और भी इससे ये फायदा हुआ है कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो अब पहले बातें होती थी, लेकिन अब जो है क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, पहले तो बात यही होती थी कि करना क्या है, लेकिन अब ये होता है कि करें जी, ठीक है ना, तो इसको इंप्लीमेंट करें आप। अब एक चीज तो ये होगी इम्प्लीमेंटेशन की बात सुनना शुरू होगी। फिर वो COPs को लेकर एक जनरल सी बात करती है कि COPs के क्या होता है, हम कुछ चीजें विन करते हैं, कहाँ कुछ के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हमारी हो जाती है, कुछ उस मीटिंग्स के अंदर फ्यू लूप होल्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम जो है हम फिर अगली मीटिंग के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर जो COP के अंदर सिग्निफिकेंस उसकी क्या है, यानी कि अहमियत क्या है, कि वहां पर अगर डिलीवरी ऑफ मिशंस कट, अडॉप्टेशन एक्शन फाइनेंस थ्रू द दुबई बैंक बैलम रोड मैप, इसके थ्रू क्या है एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसके थ्रू पैसे दिए जाएंगे। बेसिकली ये तीन जो है ना ये आउटकम्स हैं, और बाकी जो है वो इसकी जनरल डिस्कशन है। इसके अलावा वो कहती है 2 ईयर्स डायलॉग के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है ना, जो कि COP29 के अंदर होगी, ठीक है। और इसके अलावा रोड मैप जो है 1.5 मिशन 1.5 रोड मैप टू मिशन 1.5 टू इनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन, और इसके अलावा अंडर द गाइडेंस ऑफ COP29-8 COP29 COP30 ये सब के अंदर क्या होगी, ये रोड मैप को डिस्कस किया जाएगा फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसके अलावा वो कहती है कि अब शुरू हो चुकी है द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स डोमिनेटेड इरा, फॉसिल फ्यूल को अब खत्म करने की बातें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा और क्या COP28 के अंदर हुआ, न्यू अनाउंसमेंट्स हुई, वहां पर वादे किए गए मुख्तलिफ किस्म के, जैसे UAE जो है वहां पर एक फाइनेंस फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसको UAE देखेगा। इसके अलावा और वादे किए गए, ग्रीन क्लाइमेट फंड का वादा किया गया, लॉस एंड डैमेज जो है अराउंड 655.9 मिलियन इसकी बात की गई, और इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है वो शिफ्ट हो गई है, यानी कि अब क्या होगा
पॉलिटिक्स के अंदर जो है फाइनेंस की डिस्कशन होगी कि किस तरह से पैसे को क्या है ट्रांसफर किया जाए। अब यूएई के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई है इस पैकेज को लेकर, जो भी पीछे उसने कहा है जिसको ऊपर ये वाली बात है कि ये जो है यूएई लेड फाइनेंस फ्रेमवर्क है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो भी बताता है। यहाँ पर क्या होगा, इस फ्रेमवर्क के अंदर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है ना, फंड टू क्लीन ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद $4.5 बिलियन एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर की जाएंगी, और इसके अलावा रिव्यू चैनल करने के लिए $200 मिलियन जो है वो दिया जाएगा, किसके थ्रू, स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट फंड के जरिए थे। और इसके अलावा जो अडाप्टेशन प्लान फाइनेंस है प्लेज, उसके दरमियान जो गैप है, यानी कि अगर जरूरत किसी की 100 है और उसके पास पैसे 2 रुपए हैं, तो बकाया के 98 रुपए का क्या करना है, उसका भी फिर वो इंतजाम किया जाएगा। तो इसको कहते हैं अडाप्टेशन फाइनेंस प्लान जो है वो किया जाएगा, गैप जिसकी बात की जाती है। पाकिस्तान के बारे में वो बात करता है कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट, जो वहां पर पाकिस्तान ने बताया आप शो करवाई है अपनी, जो क्लाइमेट की वजह से तबाही हुई है, और अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके क्या अंदर क्या किया जाएगा, बैलेंसिंग नेशनल गैप्स, जहां पर हमें पैसों की जितनों की जरूरत है, जितने हमारे पास पैसे नहीं है, बकाया पैसों के बारे में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कशंस होगी, और इंटरनेशनल रिलेशन लेवल के ऊपर जो है वो ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर होंगी कि वो हम लोगों को इसके अंदर जो है डिस्कशन के अंदर हमें फाइनली जो है वो पेमेंट्स करें इस चीज के ऊपर, ताकि हम भी जो है क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो काम कर सकें। इस सारे के अंदर मोर डॉट्स उसने मुख्तलिफ चीजें बताई, लेकिन ये दैट इज द मेन 3 थिंग्स विच इज द आउटकम्स ऑफ द COP28, और इसके आगे आप जितनी मर्जी इसको एक्सप्लेन करते जाएं, लेकिन ये मेन 3 है। Now we move issues with BRT. अपना लास्ट एंड फोर्थ आवर एडिटोर ओपिनियन, इसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट का, आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का जो है टॉपिक होगा, जिसके ऊपर जो है वो क्या कहता है, बस रैपिड ट्रांजिट कराची। वो कहता है कि जनाबी अली अब कराची के अंदर ये बस रैपिड ट्रांजिट बना रहे हैं, यानी कि एक बस का प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। तो कहते हैं कैन द बसेस बी रन एफिशिएंटली एज प्रॉमिस्ड, क्या उसी तरह से बसें चल सकेंगी जिस तरह से प्रॉमिस किया गया है। तो इस प्रॉमिस के अंदर बात क्या की गई है, इस प्रॉमिस के अंदर ये कहा गया है कि जनाबी अली हम कुछ बसें लेकर आते हैं, ठीक है ना, तकरीबन 180 जो है सोलर पावर्ड बसेज लाएंगे और उनको कराची के अंदर चलाएंगे और लोगों को सहूलत पैदा कर सहूलत देंगे। इसी चीज को वो लेकर राइटर कहता है कि ये बसें जो है ये जिस तरह से ये प्रोमिस कर रहे हैं ना कि बड़े अच्छे तरीके से चलेंगी, तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। और उसकी वो रीजन बताता है कि गवर्नमेंट ने जो है ना इलेक्ट्रिक बसेस 3 रूट्स के ऊपर थोड़ा अरसा पहले, इससे पहले एक प्रोजेक्ट था वहां पर भी ये लॉन्च की थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो उनमें से थी ना वो आउट ऑफ सर्विस हो गई है 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि इस प्रोजेक्ट से पहले एक और प्रोजेक्ट भी लगा था इस तरह का, तो वो अब क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर अंदर बसें जो है आउट ऑफ सर्विस हो गई हैं। क्यों, क्योंकि इशू का चार्जिंग इशू थे, चार्ज करने का मसले मसाइल थे, और इसके अलावा जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी वो मेन रीजन थी, यानी कि अगर बस खराब हो जाती है तो उसको सही करना, इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर जो है वो जो बसें थी जो अभी इससे पहले जो प्रोजेक्ट चला था BRT से, वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो इसको वो लेकर कहता है कि मेरा अंदाजा है कि ये वाला भी नहीं चलेगा। इसी तरह ग्रीन लाइन की बात करता है, वो कहता है ऑलरेडी वहां पर क्या है ऑपरेशनल है कराची के अंदर। येलो लाइन की बात करता है कि ये भी वहां पर चल रही है, और BRT को लेकर वो कुछ पॉइंट्स बताता है जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये इससे जो है इतने वो वाले जो हम कह रहे हैं ना कि फायदे होंगे वो होंगे नहीं। क्यों, कि जो लेवल होना चाहिए ना प्रोफेशनल हैंडलिंग का, यानी कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जब बसें आ जाएंगी उनको चलाना उनको मैनेज करना, तो जो एक प्रोफेशनल हैंडलिंग का लेवल होता है ना वो नहीं है, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट कर, यानी कि जो गवर्नमेंट्स है ना कराची की उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या हुआ कि पहले जो था BRT जो इससे पहले जो इनको प्रोजेक्ट था जो पिछड़ा जिक्र किया है वो भी इसी वजह से फ्लॉप हुआ है, ठीक है ना, कि बसों को चार्ज नहीं किया जा रहा और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर वो बसें सारी तबाह खराब होगी। तो कहता यही इस यहाँ पे भी यही होगा कि प्रोफेशनल इनके पास हैंडलिंग जो है ना वो डिफिकल्ट है। दूसरा कहता है कि सिर्फ 9% जो है ना ये बसें जो BRT है ना 9% पैसेंजर्स जो जिनकी है ना उनको ये पिकअप कर सकेंगी, जिसकी वजह से इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तीसरा वो कहता है इसके जो कॉरिडोर्स मान रहे हैं ना उसकी वजह से जो आम ट्रैफिक है जैसे बाइक्स हैं
कारें हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है ना, और वो आगे भी होंगी, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है इसका। और आगे चौथी बात वो करता है कि आप जितनी मर्जी यहाँ पर BRT बना लें, जितनी मर्जी बसें चला लें, लोगों का ना कराची के अंदर जो है ना जहन नहीं बनने वाला, क्योंकि वो जो वो फिर भी लोग जो है ना कार का भी इस्तेमाल करेंगे और बाइक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर वो डिस्कस करता है और आगे फिर वो एग्जाम्पल्स देता है, कहता है लाहौर के अंदर BRT बनी तो उससे क्या हुआ, सब्सिडी के ऊपर चल रही है, नुकसान भी जा रहा है ना, ये लाहौर के अंदर जो आपके पास से मेट्रो बस बनाई है इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की, तो कहता है ये सब्सिडी के ऊपर सारी चल रही है। पेशावर के अंदर बनाई तो वहां पर भी करप्शन के केसेस खुले पड़े हुए हैं। और फिर वो कहता है दिल्ली वालों ने क्या किया इंडिया के अंदर, उन्होंने जो है ना इसको बंद ही कर दिया अपनी BRT, ठीक है ना, जो उन्होंने BRT बनाई थी ना उसको उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, क्यों, जो वो भी इनफेक्टिव थी। तो जब ये सारे यहाँ पर हमें सबक सीखना चाहिए, कहता है कि इन सारी चीज़ों से, कि जब इन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहे तो आप क्यों कराची में BRT लगा रहे हैं, लोगों को पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और फिर वो कहता है अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ वो फोकस करे मेंटेनेंस के ऊपर, कि वो रोड बनाए उनकी मेंटेनेंस करे, बाकी जो बसों वाला काम है ना, बसों को ऑपरेशन करना, वो छोड़ दे लोकल बस ऑपरेटिव के ऊपर, ताकि उसको कोई सब्सिडी ना देनी पड़े गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट क्या करे, रोड बनाए उनको मेंटेन करे, टोल टैक्स ले, बाकी उसके ऊपर जो बसें बुसें चलनी है वो जो सा मर्जी बंदा चलाए, जो लोकल बंदे हैं वो बसें चलाएं, इसके सर्किट में जो है गवर्नमेंट ना पड़े। और अगर पड़ेगी तो इस तरह के BRT पहले भी पाकिस्तान में लगे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, तो ये भी नुकसान में जाएगा, लोगों के पैसे जाया होंगे इससे। सो जी, ये था आपका जो आज का 2 डे लेक्चर था, उसके अंदर डिस्कस कर दिया सारा कुछ जो आपके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस थे। सो हैव अ गुड डे जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।